हेलो, मैं डॉक्टर ब्यूटी जहीर और इस चैनल पे मैं बताती हूँ मोस्टली के किस तरह आप अपने माइंड पावर को यूज़ करके अपने लाइफ को और ज़्यादा हैप्पी बना सकते हैं, अपने माइंड बॉडी कनेक्शन को बैलेंस करके अपनी लाइफ को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि लाइफ एक बार मिली है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें खूबसूरती के रंग भरने चाहिए। लेकिन जाने अनजाने कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशंस इसमें आ जाते हैं, जो हम अपने लाइफ को उस तरह इन्जॉय नहीं कर पाते हैं जितनी खूबसूरत ये लाइफ है। इसमें कुछ नेगेटिव इमोशंस में एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अनफॉरगिवनेस, अनवर्दीनेस, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें अनजाने में कभी ना कभी आ जाती हैं। हमें अपनी लाइफ में इन चीज़ों से गुजरना पड़ जाता है। और हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं। ये सारे नेगेटिव इमोशंस इन चक्रों को ब्लॉक करते हैं, जिससे हम एनर्जी का फ्लो जो है वो 7ों चक्र में ठीक से नहीं हो पाता और हमारी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। और आप सब जानते हैं कि हमारे जितने हाई एम्बिशंस होंगे, अपनी हमारी एनर्जी उतनी ही हाई होनी ज़रूरी है। तो जब हमें हाई एम्बिशन है और उसे हम लो एनर्जी से अचीव नहीं कर सकते, तो ये इन सारे नेगेटिव इमोशंस को अपनी लाइफ से जितना जल्दी और जिस तरह से हो सके आप रिमूव करें, आप अपने किसी भी गोल, किसी भी मैनिफेस्टेशन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले आता है मोस्टली एंगर। एंगर इसलिए आता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं और हमें गुस्सा आता है। तो इसमें हम अपने आप को इस तरह से समझा सकते हैं कि हर चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे अनटुवर्ड हो रही हैं, लोग हमारे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो ये उनकी प्रोग्रामिंग है, ये उनके अकॉर्डिंग है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। और दूसरी बात के हम गुस्सा करके अपने आप को, अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी देकर हम अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, जो कि सेल्फ लव के प्रिंसिपल से बिल्कुल भी अगेंस्ट है। तो अगर ये एंगर आपके अंदर है, दैट मीन्स कि यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। सो एंगर बिल्कुल भी नहीं आने देना है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ कि मेरा बहुत महंगा फ़ोन मेरे बच्चे ने तोड़ दिया। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझा लिया कि चलो कोई बात नहीं, फ़ोन तो दूसरा आ जाएगा। लेकिन हम गुस्सा करके अपने को नेगेटिव एनर्जी दें, अपने बच्चे को नेगेटिव एनर्जी दें, तो ये उससे बड़ा लॉस है मेरे लिए। मैंने बस बहुत ईजिली अपने आप को ये सोचकर समझा लिया कि ये फ़ोन तो मटेरियलिस्टिक चीज़ है जिसे मैं ईजिली ले सकती हूँ, हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। इस तरह आप अपने आप को कन्विंस करें। सेकेंड आता है माफ़ न कर पाना। हमारे साथ जाने अनजाने अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया, हम उसे माफ़ नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उसको उसे लेकर एक कुड़हन, एक नेगेटिव इमोशन अंदर रखते हैं। बट किसी ने आपके साथ एक बार गलत किया, वो बस एक मोमेंट था जो महीनों बरसों पहले आके चला गया, लेकिन आज अगर आप उसे सोच रहे हैं तो उसने तो सिर्फ एक बार आपको नुकसान पहुंचाया, लेकिन आप जितनी बार उस बात को सोच रहे हैं उतनी बार अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दरअसल आप ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिसने एक बार बोला तो वो, अगर आप उस बात पर ध्यान ना दें, उसे याद ना करें, तो वो तो कब का बात गई, रात गई बात गई। लेकिन आप अपने आप को सोचकर अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ऐसा हरगिज़ ना करें, ये भी सेल्फ लव के अगेंस्ट है। अपने आप को ये कहकर समझाएं कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली कोई हरकत नहीं करूंगी, बिकॉज आई लव माई सेल्फ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और नेक्स्ट आता है दुखी रहना, सैड रहना किसी भी बातों को लेकर, कोई भी बात। इन केस आपने, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा आप चाहते थे नहीं हुआ, किसी ने, किसी के साथ आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं पूरी हुई और आप दुखी हैं, सैड हैं, ये भी एक बहुत ही नेगेटिव इमोशन है जो आपको लो फील कराता है। आप और इस नेगेटिव इमोशन के कारण जो आप प्रेजेंट में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं आपके, आप अगर मैरिड हैं, आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप अपने घर में बहुत अच्छी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दुखी हैं तो उस प्रेजेंट मोमेंट को आप उतना ब्लूम नहीं कर पाएंगे, उतना इंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना कि उस प्रेजेंट मोमेंट में खुशी है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये इसी तरह है कि ऊपर वाले ने आपको लाखों करोड़ों
आपके सामने रखा हुआ है और आप बस उसे इतना सा 2-4 रुपए ही समेट पा रहे हैं बिकॉज आपकी एनर्जी ही लो है। तो ऊपर वाले ने जितना अबंडेंस दिया है, हम अपने जितनी हाई एनर्जी रखेंगे उन सारे हैप्पीनेस को मैक्सिमम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उतनी ही खूबसूरती, उतनी ही प्यारी, उतनी ही अच्छी ज़िंदगी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, इन्जॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है चिड़चिड़ापन। कुछ लोगों की आदत होती है बहुत छोटी छोटी बात पर भी वो इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेशन भी एक नेगेटिव एनर्जी है इसे, और ये इसलिए होता है मोस्टली कि लोग हर किसी से ऐसे ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो मेरे हिसाब से चले, जबकि सारी दुनिया अपने हिसाब से, अपने प्रोग्रामिंग, अपने विश के अकॉर्डिंग चल रही है। आप हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, आपका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। आप अपने आप को ही कंट्रोल कर लें, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, फिर दूसरे तक बात बाद में पहुंचेगी। नेक्स्ट आता है डिप्रेशन, जो कि बहुत कॉमन आजकल देखा जा रहा है। ब्रेकअप वगैरह हुआ, किसी के रिलेशन रिश्ते लग रहे थे, किसी कारण से टूट गए वगैरह वगैरह, एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया, कुछ इस तरह के, या फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम जहां आ गई, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। जबकि प्रेजेंट मोमेंट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर चाहें तो एक एग्ज़ाम अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं गया, नेक्स्ट हज़ारों अपॉर्चुनिटी, आप सिर्फ देखना चाहें तो आपको हज़ारों अपॉर्चुनिटी अपने सामने दिखेगी। बस अगर ऊपर वाले ने आपको एक हेल्दी सर से पांव तक शरीर दिया है तो इस बात को हरगिज़ ना भूलें कि साइंटिस्ट ने इस बॉडी की सर से पांव तक मिड वे वैल्यू मिलियंस एंड ट्रिलियंस में लगाई है, जो बहुत बड़ा असेट ऑलरेडी है आपके पास। बाकी सारी चीज़ों को अगर साइड रख दें तो आप पहले से ही करोड़पति अरबपति हैं। लाइफ को एंजॉय करने के लिए मोस्ट बेसिक चीज़ यही काफ़ी है। सो इन सारी चीज़ों पर अगर आप अपने आप को समझा पाए, आप अपने माइंड को ये यकीन दिला पाए, फिर आप देखेंगे कि आपके प्रेजेंट में अनलिमिटेड अबंडेंस है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें आप आगे जिस भी लाइन में आगे बढ़ना चाहें तो आपके रास्ते, हर रास्ते में खुले हैं। बस ज़रूरत है आपको आँखें खोल कर देखने की।